हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक द्विमीय विभव बॉक्स में कण पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास में जो कण है उसकी गति इस विभव बॉक्स के अंदर सीमित है, यानी जो कण है वो एक्स एक्स के समांतर गति कर रहा है और उसकी जो गति है वो क्या है, इस विभव बॉक्स के अंदर सीमित है। ठीक है, हमने वेव फंक्शन साई के बारे में पढ़ा कि हम किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन लिख सकते हैं, यानी हमारे पास में कोई कण यदि गतिशील है तो उसके सहचारी क्या होगी, द्रव्य तरंग होगी और उस द्रव्य तरंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक अवस्था फलन लिख सकते हैं, यानी इस कण की गति से संबंधित हम एक अवस्था फलन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सिस्टम लिया है वो सिस्टम क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्स के समांतर गति कर रहा है और उसकी जो गति है वो किस तरह से है कि x इक्वल टू जीरो से लेकर के x इक्वल टू a के मध्य सीमित है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर विभव का मान क्या है अपने पास में, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पर अपने पास में जो विभव है वो क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, और x इक्वल टू a पर भी विभव जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कण की जो गति होगी वो क्या होगी, इस विभव बॉक्स में x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू a तक सीमित होगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के लिए हम अवस्था फलन साई लेंगे और श्रोडिंगर समीकरण से एनर्जी के आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है। तो यहाँ पर जो कण है उसकी गति x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू a के मध्य सीमित कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कण होगा वो गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो के ऊपर, x इक्वल टू जीरो पर क्या है, वी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो जैसे ही वो x इक्वल टू जीरो पर आएगा तो क्या होगा कि यहाँ से उसे f इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और f इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स जो फोर्स है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है, तो यहाँ से उसे एक इन्फिनिटी फोर्स लगेगा तो उसकी गति की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, दूसरा अपने पास में जब पार्टिकल x इक्वल टू a पर पहुंचेगा, तो जब वो x इक्वल टू a पर पहुंचेगा तब भी उसके पास में क्या होगा कि वही f इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, इसकी गति की दिशा बदल जाएगी और पार्टिकल की जो गति है या पार्टिकल की जो अवस्था है वो क्या होगी, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही सीमित होगी। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरीके का एक सिस्टम है। तो हम लिख सकते हैं कि माना एक कण एक्स एक्स के समांतर गति कर रहा है पार्टिकल की जो गति है वो क्या है, एक विमीय है, ओनली एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, गति कर रहा है, कण की गति विभव बॉक्स, ये जो हमने विभव बॉक्स लिया है, विभव बॉक्स एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए के मध्य सीमित है। क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर तथा x इक्वल टू a पर vx का मान इंफिनिटी है। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू a के ऊपर क्या है, विभव का मान इंफिनिटी है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि यहां के बाद में ये जो बॉक्स है सिर्फ यहाँ पर विभव जो है वो जीरो है। तो हम लिख सकते हैं कि कण का जो विभव है वो किस प्रकार का है, वी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स ए तक, और वी एक्स इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और x लेस देन इक्वल टू जीरो है।
ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर जो विभव का मान है वो यहाँ पर सारा क्या है, अनंत है। सिर्फ इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के मध्य ही कण जो है वो गति करेगा और दोनों साइड इसे क्या मिलेगा, अनंत विभव मिलेगा। इसलिए जब कण इन दीवारों की ओर आएगा, इन्हें हम दीवार मान सकते हैं, बाउंड्रीज मान सकते हैं, तो जब कण यहाँ पर पहुंचता है x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए पर, तो क्या हो जाएगा, कण के ऊपर एक फोर्स लगेगा f इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीएक्स, जिसकी वजह से कण की गति की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तो जो कण की गति होगी इस विभव बॉक्स में सीमित होगी। ठीक है, यहां तक देखें इसे। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये अपने पास में क्या हो गया कि इस तरीके का एक सिस्टम है और इसके लिए अब हम श्रोडिंगर समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। ये जो विभव बॉक्स है इसके अंदर कण क्या करेगा, एक स्वतंत्र कण की भांति गति करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि विभव बॉक्स में कण एक स्वतंत्र कण की भांति, ठीक है, यहां पर क्या है, इसका विभव जीरो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कण एक स्वतंत्र कण की भांति गति करेगा। यहां जो अंदर विभव क्षेत्र जो है वो जीरो है, कण एक स्वतंत्र कण की भांति गति करता है। तथा जैसे ही कण x इक्वल टू जीरो तथा x इक्वल टू ए पर पहुंचता है, तो उसे एक f इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल टू इंफिनिटी बल लगता है। जिससे उसकी गति की दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि जो कण है वो गति कर रहा है और उसकी गति इसके अंदर सीमित होगी। तो अगर हम वेव फंक्शन लिखें, तो हमने जब प्रीवियस लेक्चर में हमने साई के बारे में पढ़ा था, पहले हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी हम ये निष्कर्ष निकालेंगे सारे उन पर आधारित होंगे। तो यहां से क्या होगा अपने पास में कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो कण की गति हो रही है, इसके लिए हम एक अवस्था फलन साई को लिखेंगे। ठीक है, साई जो होगा वो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां से हमारे पास में जो अवस्था फलन साई होगा, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस पड़ी थी हमने कि ये साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, सतत होना चाहिए और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी सतत होना चाहिए। ये चार कंडीशंस होती है साई के ऊपर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें कि साई का मान जो है वो परिमित होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साई अगर परिमित होगा तो साई इन बाउंड्रीज पे जब इंफिनिटी हो रहा है x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए के ऊपर, जब हमारा विभव अनंत है, तो वहां क्या हो जाएगा, साई जीरो हो जाएगा। साई का मान क्या होगा, सिर्फ इस रीजन के अंदर होगा। ठीक है, यानी सिर्फ इस रीजन के अंदर ही इसका तरंग फलन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कण जो है सिर्फ कहां से कहां तक होगा, एक्स जीरो से लेके एक्स इक्वल टू ए तक ही रहेगा। और साई क्या बताता है, एक तरीके से कण के होने की प्रायिकता को बताता है। तो क्या होगा कि जो कण के होने की प्रायिकता हमारी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए तक सीमित है, तो जो साई का मान होगा वो भी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए तक ही होगा। ठीक है,
और यहाँ से हम देख सकते हैं कि साई अगर हम लिखें तो साई का मान यहाँ पर होगा और बाकी जो दोनों रीजन है बाहर वाले वहां पर साई जीरो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अवस्था फलन केवल x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के मध्य होगा तथा साई x इक्वल टू जीरो जब x क्या हो लेस देन इक्वल टू जीरो हो तथा x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, तब अपने पास में क्या हो जाएगा, साई जो है वो जीरो हो जाएगा। साई का मान भी कण की गति के साथ में सिर्फ इस विभव बॉक्स तक ही सीमित होगा। ठीक है, तो यहां तक लिखे इसे। ठीक है, तो जहां तक हमारा साई एग्जिस्ट कर रहा है वहां तक हम क्या लिख सकते हैं, श्रोडिंगर समीकरण लिख सकते हैं। तो इस रीजन में हम श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे और वहां से फिर हम एनर्जी के आइगन मान निकालेंगे। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के मध्य श्रोडिंगर समीकरण लिखते हैं साई के लिए। हम लिख देंगे विभव बॉक्स x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के मध्य अवस्था फलन साई एक्स के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न होगा या निम्न है। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण क्या थी हमारी, हम यहाँ पर कालानुसारित श्रोडिंगर समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या है, क्योंकि अंदर हमारा जो विभव है वो जीरो है और बाहर एक नियत विभव है, तो यहां से हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को लिख रहे हैं माइनस का एच केट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई एक्स प्लस का वी साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। यह हमारी क्या है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, तो इस श्रोडिंगर समीकरण के अंदर हम देख सकते हैं कि वी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, चूंकि वी इक्वल टू जीरो जब x क्या है हमारा जीरो से a रीजन के मध्य है। ठीक है, तो जीरो से a रीजन के मध्य ये विभव जो होगा वो जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, माइनस एच केट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, ये अपने पास में समीकरण नंबर दो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में जो कण की गति है वो हमने एक विमा में मानी है और x अक्ष के समांतर वो गति कर रहा है, तो उसके लिए हम किस तरह से अवस्था फलन लिख सकते हैं, किस तरह से हम एनर्जी के मान निकाल सकते हैं, ऊर्जा के मान क्या होंगे इसके लिए, और इसके जो आइगन फलन होंगे वो क्या क्या होंगे, ये सब हम निकाल सकते हैं श्रोडिंगर समीकरण से। ठीक है, हमारे पास में कण की गति त्रिविम में भी हो सकती है, थ्री डायमेंशन में हो सकती है, और भी हम बहुत सारी कंडीशन ले सकते हैं कि v के अलग अलग मान हो तब कण की गति जो होगी और उसका जो अवस्था फलन होगा किस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में हमारी इक्वेशन आ गई माइनस एच के स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो यहां से आ जाएगा
एच का स्क्वायर अपॉन टू एम को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो डेल टू साई एक्स इक्वल टू माइनस एच माइनस का टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई एक्स, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस इसको इधर ले आएंगे तो टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो। ये अपने पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गई, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी कि डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस का टू एम ई एच कट स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं, डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस का टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर थ्री है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब हम मान लेते हैं कि माना टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इसे हमने कोई नियतांक मान लिया के स्क्वायर टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, जहां पर के क्या होता है तरंग संख्या। तो यहां से अपने पास में आ गया डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस का के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो। और ये जो हमारी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फोर, इससे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इसका व्यापक हल हम निकाल सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले मैथ्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस का के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त समीकरण का व्यापक हल निम्न होगा, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन मान के सॉल्व करते हैं एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, फिर अपने पास में आ जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के। तो एक तो हम ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स, या फिर हम लिखेंगे ई की पावर अल्फा एक्स और ए डेस साइन के एक्स प्लस का बी डेस कोस के एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका। तो मैं यहाँ पर इसका व्यापक हल लिख रही हूँ, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस का बी कोस के एक्स, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया साई का जो व्यापक हल होगा, ठीक है। तो साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस का बी कोस के एक्स, ये हमारी श्रोडिंगर समीकरण का हल है, ठीक है। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि ए और बी जो दो नियतांक हैं इनके हम मान ज्ञात करेंगे और साई एक्स जो है हमारे अवस्था फलन उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसे यहां तक लिख लें, ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दो नियतांक हमने लिए हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इनके मान हम क्या करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन और जो हमारी ये कंटिन्यूटी कंडीशंस होती हैं उनसे हम इनके मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जहां ए तथा बी नियतांक हैं तथा इनके मान परिसीमा तथा बाउंड्री तथा जो हमारी कंटिन्यूटी कंडीशंस होती हैं परिसीमा तथा
सांतत्य प्रतिबंधों से से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए तथा बी जो हमारे नियतांक है इनके मान परिसीमा और सांतत्य प्रतिबंधों से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमारे परिसीमा और सांतत्य प्रतिबंध क्या होते हैं, वही जो साई के ऊपर चार प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, एक तो साई जो है वो परिमित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, साई सतत होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है कि साई एकमानी होना चाहिए, और फोर्थ हमारा होता है कि साई के जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अवकलज है वो भी क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में दो बाउंड्रीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो पर पहले अगर हम बात करें x इक्वल टू जीरो बाउंड्री की, ठीक है, तो ये जो हमारी परिसीमा है x इक्वल टू जीरो, यहां पर हमें पता है कि साई x इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि बाहर भी क्या है, साई x जीरो है, और इस बाउंड्री पर भी साई x को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन हम लगा सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए के ऊपर अगर हमारा विभव अनंत है तो क्या होगा, साई जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि साई परिमित होना चाहिए, तो यहां से अपने पास में x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए के ऊपर साई जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अनंत परिसीमाएं हैं। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा कि x इक्वल टू, चूंकि x इक्वल टू जीरो तथा x इक्वल टू ए पर विभव अनंत है, अतः साई x इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पर साई भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण पांच से अपने पास में क्या जाएगा, जीरो इक्वल टू ए साइन के जीरो प्लस का बी कोस के जीरो। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ए साइन एक्स की जगह हमने जीरो रख दिया, बी कोस के एक्स की जगह हमने फिर से जीरो रख दिया, तो यहां से अपने पास में हो गया कि ए साइन ये तो जीरो बन गया, सिर्फ ये बचा बी कोस के जीरो। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो यहां से अपने पास में आ गया बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी एक जो हमारा नियतांक है उसका मान कितना आ गया, बी इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, यहां तक लिखे इसे। ठीक है, तो b इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम इसे समीकरण पांच के अंदर रखें, तो जब हमारा b इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, समीकरण पांच से या समीकरण पांच में मान रखने पर साई एक्स इक्वल टू लाइक